Good morning. So, second day in Kashmir, and welcome back to our channel. I hope you guys are doing fine. And well, aaj hum Sonmarg explore karne wale hain, and just got ready. Fatafat breakfast karne ja rahi hu, and then from there I'll head to Sonmarg. Sonmarg hi aaj explore karenge, and Gulmarg se kafi cold bhi hai. So, considering that, wearing this outfit today and all geared up. So, let's go. So, fatafat abhi main breakfast karke, and then we'll move for Sonmarg. So, keep watching, and if in case you guys are new to our channel, make sure you do not leave without subscribing. Would really appreciate you guys spare some time and also turn on the notification bell so that aane wale vlogs miss na karo. I really don't want you guys to miss it, so keep watching. And also I'll show you guys the view from here. माई गॉड, आई कांट इवन टेल यू, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है. एंड जस्ट यहाँ पे टी ब्रेक के लिए थोड़ा रुके, विल हैव सम टी एंड देन क्विकली मूव फ्रॉम हियर. इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड. अभी लग रहा है कि सोनमर्ग जाएंगे तो क्या होगा. एक्चुअली 90% एक्सपेक्टेड कि स्नो होने वाला है, सो लेट्स सी, होपिंग फॉर इट. एंड टू विंडी, इट्स एक्चुअली वेरी विंडी. ये पूरा यहाँ से रास्ता ज्यादा सोनमर्ग के लिए. एंड दिस इज द रूट. यहाँ रुके हैं फॉर टी ब्रेक. Okay, so having another chai. So tea break because it was very cold. So having it now. और पीछे काफी खूबसूरत व्यू है. I don't know what's wrong with my camera focus. So quickly यहाँ से चाय पी के निकलेंगे towards Sonmarg. Now Sonmarg has its own charm and beauty for a reason. वहाँ से सिंध रिवर भी जाती है, जिसके वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल होता है दिखने के लिए. इनफैक्ट अम्बरनाथ यात्रा जो होती है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है. एंड सेकेंड जो चीज़ है जो बहुत फैसिनेट करती है लोगों को इज अगेन एडवेंचर्स. यहाँ पे रिवर राफ्टिंग बहुत पॉपुलर है. इनफैक्ट यहाँ पे आपको बाकी भी अट्रैक्शन मिल जाएंगे कंसिडरिंग द टूरिस्ट. सो इट हैज़ इट्स ओन चार्म. एंड वट आई रियली फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट सोनमर्ग इज द लैंडस्केप. इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. यहाँ का लैंडस्केप बहुत ब्यूटिफुल है एंड हैव वेरी ब्यूटिफुल व्यू ऑल टुगेदर. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग स्नोफॉल, सो लेट्स सी. इट्स कन्वीनियंट टू ट्रैवल फ्रॉम श्रीनगर, इट्स नॉट दैट फार. मस्त निकलते हैं. सिनेमैटिक शॉट्स अभी शूट करूंगी एंड इसके आगे काफी सारे सिनेमैटिक वीडियोज आएंगे. एंड सिंस आई एम सोलो ट्रैवलिंग, सो आई एम मैनेजिंग खुद ही पूरा सब शूट करने का. सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट. सो राइट नाउ आई एम इन कंगन, एंड इस जगह का नाम है कंगन. और यहाँ पे थोड़ी देर रुके, यहाँ पे आपको काफी सारे मार्केट मिल जाएंगे. इफ इन केस यू नॉट कैरिंग एनीथिंग वॉर्म, आप यहाँ रुक के खरीद सकते हो, एसेंशियल्स खरीद सकते हो. थोड़ा चीप पे मिलेगा, वो काफी ज्यादा कमर्शियल होने की वजह से वहाँ प्राइजेस थोड़े ज्यादा मिलेंगे. यहाँ से थोड़े वॉर्म क्लोथ्स ले सकते हैं. ये पूरा मार्केट एरिया है. इनफैक्ट यहाँ पे हर टाइप की चीजें मिल जाएगी. यहाँ से हम लोग सोनमर्ग के लिए आगे जाएंगे. एंड यहाँ से आता है त्रास, मतलब जो कारगिल के लिए रूट है वो शुरू हो जाता है सोनमर्ग से आगे. सो एक त्रास में लास्ट मार्केट है, उसके बाद कोई मार्केट नहीं है. एंड सोनमर्ग जो जगह है उसके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं वहाँ पहुँच के बताऊंगी. एंड अभी बस हम थोड़ी देर 2 मिनट रुके हैं यहाँ पे, एंड विल क्विकली मूव बिफोर इट्स गेट्स टू डार्क. We'll be right back.
तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे ट्रैवलर पार्क किया एंड हम लोग गगनगीर से थोड़ा आगे सोनवर की तरफ जा रहे हैं. बेसिकली पार्किंग पॉइंट है जहाँ से लोग व्हीकल चेंज करते हैं. See the view. Let me show you guys my opposite ka view. So this is how it looks like. Chalo chalte hain gaadi mein baithte hain. एक्चुअली अभी यहाँ से शुरू हुआ है सोनमर्ग. इट्स ब्यूटिफुल. अभी यहाँ से आगे जाना है हमें ऊपर और वहाँ स्नोफॉल हो रहा है. इनफैक्ट यहाँ भी हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा है जितना ऊपर सोनमर्ग में होगा. एंड या क्या बना रहे भैया? चाय? चाय कॉफी में. अच्छा अभी तो वेलकम टू सोनमर्ग गाइस. सो जस्ट गॉट आउट ऑफ द व्हीकल. स्नोफॉल होगा एंड स्नोफॉल स्टार्ट हो गया. लेंस साफ कर लेते हैं. ओ माई गॉड इट्स फ्रीजिंग. मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है बट है. अच्छा मैडम स्लेज बहुत ही ना. स्लेज पे जाओगे? नहीं. अच्छा खेल वो ये लखने वाला गेम. ऊपर आगे जाएंगे ना वही वही सोनमर्ग. सो यहाँ चल रहे फोटो शूट. ये है यहाँ कश्मीर का लास्ट गांव एंड नीचे एक रिवर जाती है जिसे सिंध रिवर कहते हैं. फाइनली मतलब वो सब बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विंटर्स. तो वो अभी नहीं चल रहे. सो आगे चल कैसा है आगे का नज़ारा? अभी तो फिलहाल स्नोफॉल हो रहा है बट नॉट दैट हैवी. इट्स स्नोइंग. दिस इज बेसिकली द पार्किंग एरिया जहाँ पे सबके गाड़ियाँ पार्क होती है एंड यू हैव टू गो एंड वॉक. स्नोफॉल हो रहा है एंड दिस वॉज एक्सपेक्टेड. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दैट स्नोइंग राइट नाउ. And also I'm not talking much because if I'll talk much then I'll go out of breath. It's snowing though and light snowfall hai. Zyada heavy nahi hai. So it's manageable. Mashallah. Oh my god, it's breathtaking. Aur kya wadi hai. Loving it.
So Sonmar's approx 61 kilometers from Ganderbal, jo yahan ka district hai, and 81 kilometers approx from Srinagar, which is quite far than Ganderbal. And yahan ki jo population hai wo sirf 392 hai, matlab total population is jagah ki 392 hai, which is very interesting to know. And yahan ka landscape is unbeatable. Yahan se Ambarnath yatra jati hai, even trekkers le jate hai Leh Ladakh, to takes the same route. And yahan pe kafi sare rivers hai, usme se एक है सिंध रिवर. एंड सोनमर्ग को कहते हैं उर्दू में सोने का मार्ग. सोनमर्ग का मतलब ही वही है. यहाँ अभी स्नोफॉल जस्ट बंद हुई अनफॉर्चुनेटली, एंड लेट्स सी कितने देर हम लोग यहाँ पे रहते हैं. तब तक कीप वॉचिंग द व्लॉग. सो क्या क्या बीच में मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए, लेट्स डू दैट. अच्छा, एक का, एक फोटो का जी, जी, जी. है मूड फोटोज का है मूड भैया. फोटोज वीडियोज तो मैं ले रही हूँ. थैंक यू. कुछ गरम गरम पीते हैं. गॉड इट्स टू कोल्ड. खोलो मैडम शूज. मैडम कुछ खा लेते हैं गरम गरम. पूरा एंजॉय करो. बट ये बताओ कि क्या क्या है. मैंने बताया अभी उनका बूट लाग गया मैडम. कहाँ से लेके वहाँ तक जाएगा. आ जाओ आगे वहीं बस देखते हैं भैया. एक सेकंड. वेयर देयर व्हाट्स सो स्पेशल. वो लास्ट है ना टॉप जहाँ पे वो येलो हाउस का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा दिख रहा है जहाँ पे वो येलो कलर सा. हाँ रेडिसन के पास. हाँ वहाँ तक जाएगा. इसलिए उसको ऊपर तो जंगल में गनेर माँ करे मनसे मनसे ने नहीं जाना आप आज सर नहीं जाना भाई. देखो मना कर दिया है अब मान लो. देखो अब मना कर दिया तो देखो मैं वो नहीं कह रहा. आपने बात कर ली. देखो बात समझाने की बात अलग है करने की बात अलग. अभी जितना चल सकते हैं अब तो हम लोग चल रहे हैं. मैं शार्क गाइड हूं मुझसे. बट आई विल हैव टू गो अलोन. नो आई विल बी कमिंग विद यू. हाउ पहले पहले. बट आई कैन वॉक. यहाँ से वॉक कर सकते जो मेन है ना आगे. हाँ. वहाँ पर देखते हैं. चलो वहाँ तक तो चलो. अगर मुझे लगा मैं खुद ही बोल दूंगी इस पे ही चल रहा है सिंपल. हेलो चलो आप कितना वाजी तो ले गया अभी ले गया फ्री तो देखो तो रोट मोट तैयार फिर नहीं के तू भाई ब्रदर आपने इनसे बात की थी. नहीं गल कर समय ना ना भाई गल है ना बस ओंड ना उठ मोड़ते तू के चल चल नहीं जाने. वो मैम अभी चलेगी थोड़ी आगे आगे बैठे. अरे यार ये तो पीछे पड़ गया. मैं पकड़ लेता हूँ. एक सेकंड. सुप्रीम कोर्ट बंद है. हाँ पूरा बंद है. ओके इट्स ब्यूटीफुल. दिस इज व्हाट सोनमर्ग लुक्स लाइक. यू कैन सी एट द बैकग्राउंड सो मेनी रिसॉर्ट्स एंड स्टफ. देखो मैम ऊपर से जो व्यू आता है वो कितना अच्छा व्यू आता है ऊपर से देखने में. right. ये ऊपर टॉप से आपको देखने को मिलेगा. ओके okay. बहुत अच्छी जगह है. बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको. वीडियोस का शूट करने का फोटो शूट करने का बहुत अच्छा मिलेगा. ओके okay. क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ कस्टमर घूमने के लिए आते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती के लिए आते हैं जी. यहाँ पे आपको देखने के लिए इंसान पूरा रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे. राइट आपका नाम. मेरा नाम अर्शद है. मैम अर्शद जी टैब नंबर रखता है. अच्छा हाँ 3 डेज के बाद आता है तो मतलब 3 डेज के बाद हमें यूनियन के हिसाब से नंबर मिलता है. हाँ. यहाँ पे दिन को अपना काम का दिन करते हैं गाड़ी का किराया निकालते हैं फिर यहाँ को घर जाते हैं. अरे बाप रे. तो श्रीनगर से आते हैं. श्रीनगर से आते हो आप. नहीं उधर से सर रास्ता नहीं. अरे भैया इसको देख अभी तेरे को देख के इधर से ही आ गए.
रनिंग बैक, लीविंग सोनमर्ग नाउ. आते वक्त थोड़ा सा स्नोफॉल मिला था. वी आर गोइंग बैक. मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है शाम को एंड इट्स नॉट सेफ. रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड देन विल बी स्टक. सो वी आर मूविंग नाउ. ये हो गई है गाड़ी स्टक. Had a great time. Signing off. If you ever wish to visit Jammu and Kashmir, Kashmir precisely, make sure to check out Sonmarg. It's breathtaking. I have no words. And bas abhi ja rahe hain to our car and we'll move to Srinagar back to the hotel. So I'll continue the vlog. So keep watching. यार ढाबे पे रुके थोड़ा सा क्विक बाइट लेने के लिए एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द ढाबा. रास्ते में पड़ा था तो यहाँ रुक गए. ढाबे का नाम क्या है? राजा ढाबा. बस अभी थोड़ा सा पराठा एंड चाय लेंगे एंड देन विल मूव फ्रॉम हियर. द व्यू इज रियली गुड. बट ऑर्डर जो बोला है बोला टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट. बस अभी यहाँ से क्विकली आई विल ईट एंड देन विल हेड टू द होटल. और ज़्यादा कुछ नहीं, पराठा मंगाया और थोड़ी चाय. एंड यहाँ से ये व्यू है. है तो सही, इसका पराठे वराठे खाए मैंने. हाँ मैंने भी वही मंगाया था ना. खा लीजिए. अचार है और साथ में चटनी कुछ नहीं है. नहीं जी, और सॉस मिलेगा आपको चाहिए? नहीं नहीं सॉस नहीं, थैंक यू. जी बिल कर दिया. कौन सा नेटवर्क है? एयरटेल. एक चाय और भी दे दो. और एक चाय बोलो बेटा, वैसी चाय दे दो जैसी पिलाई. And with this, I'll also end my vlog. Thank you so much for watching till now. And do not leave without subscribing. I'll see you guys very soon in the coming vlog. Till then, take care. Bye. क्या नाम है? मुश्ताक. मुश्ताक. Very good. क्या बोलते हैं 392, मतलब 300 392. एंड इफ यू हैव वॉच्ड द व्लॉग सो फार मेक श्योर टू सब्सक्राइब. या मैम दैट वाज गुड, फुली ऑसम. Come.